एक्सपो सेंटर कराची में हालिया दिनों में होने वाली एशिया पीस फिल्म फेस्टिवल में लोगों की बड़ी तादाद दिलचस्पी ले रही है। इस फेस्टिवल की थीम कराची सब का है के उन्वान से रखी गई है, जिसमें बहुत से मशहूर मुल्की और बैन अलावामी फिल्म साजों ने शिरकत की। इस सिलसिले में जब वहाँ आने वाले शहरियों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि इसके हवाले से टेररिज्म जितना हमारे एरियाज में है, अफगानिस्तान, ईरान और ये पाकिस्तान, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा रिकस्ती दहशतगर्दी है, और इसमें पीस का जो अमल दखल है ज़रूरी है। और ये कराची में होना, कराची के जैसे हालात थे, आप लोगों का यहाँ पे आना बेहतर है। कोशिश ये होनी चाहिए कि इस तरह के फेस्टिवल होने चाहिए, गवर्नमेंट को बैठ जाता बेहतर थी, लेकिन इसमें कराची के अवाम को बुलाया नहीं गया, ज़्यादा इस तरह हाईलाइट नहीं किया गया जैसा करना चाहिए। चलो फिर भी लेकिन बेहतर बारिश थी, ना होने से बारिश का पहला खतरा ही सही, और ऐसे माहौल में, घुटन ज़्यादा माहौल में जहाँ पे क्राइम इतना है, टेररिज्म इतना है, तो बेहतर ये फेस्टिवल ऐसे होने चाहिए फेस्टिवल आगे। इस इवेंट की एक खास बात यह है कि इसमें 170 एशियाई ममालिक की 900 फिल्म में से 109 मुंतखब करदा फिल्मों को नुमाइश के लिए पेश किया गया। बहुत से पाकिस्तानी निजी फिल्म साजों की तालब इल्मों की अमन, सकाफत और विरसे के हवाले से बनाई गई फिल्में भी शामिल हैं। इस मौके पर वहाँ मौजूद मारूफ फिल्मी और टी वी शख्सियात का कहना था कि फिल्म्स के ज़रिए आप अपने मैसेज को बड़ी आसानी से पहुंचा सकते हैं, तो अगर हम ऐसे लोगों में ये फिल्में पहुंचाएं जिनकी रसाई नहीं है उन तक, या सिर्फ उनकी तालीम का कोई और ही तरीका है, मसलन तो सिर्फ मजहबी तालीम देते हैं या मदरसों में, और उनको दुनिया की दूसरी चीज़ों का पता नहीं होता, दहशतगर्दी में बड़ी बड़ी कमी आ सकती है, क्योंकि उनके जहन का खुलना बड़ा ज़रूरी है। ऐसी फिल्में मदरसों में दिखानी चाहिए ताकि विजन। इसके साथ साथ वहाँ मुख्तलिफ बहसों, मुबासा, लेक्चर्स, फिल्म प्रोडक्शन की क्लासेस, आर्ट एग्जीबिशन, लाइव पेंटिंग्स और फिल्म की स्क्रीनिंग भी दिखाई गई।